हे व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू? और मैं आज कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। तो मैं अपने चैनल पे काफ़ी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करूँ, जहाँ पे मैं बेसिकली नए पीसीज खरीदूंगा। तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन से प्राइस पॉइंट पे मुझे क्या मिल सकता है, कितना बेस्ट पीसी मुझे मिल सकता है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज 35,000 के आसपास की रेंज का एक पीसी खरीदूँ। मुझे सिर्फ चेक करना है कि कौन सी स्पेसिफिकेशन मुझे कितने में मिल रही है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से विंडोज़ भी ट्राई नहीं कराया, विंडोज़ OS। तो मैं बस देखना चाहता हूँ कि कितना प्राइस में मुझे क्या मिल सकता है। तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है, जिसके हिसाब से मुझे 30,000 to 35,000 के आसपास का पीसी एक मिल जाना चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि बैंगलोर में कहाँ पे बेस्ट जगह है जहाँ से मैं एक पीसी ले सकूँ। तो मैं बेसिकली गूगल पे सर्च करने वाला हूँ कहाँ पे मुझे बेस्ट पीसी मिल सकता है। फिर थोड़ा सा ब्लॉग टाइप होगा, मैं बस आपको बता दूंगा कि कहाँ पे बेस्ट प्राइस मिलता है। और चलो देखते हैं 30,000 to 35,000 में मुझे क्या मिल सकता है। तो चलो एक्चुअली गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे बेस्ट गेमिंग पीसी की दुकान बैंगलोर में कहाँ मिल सकती है। तो चलो सफारी पे जाके मैं बेसिकली थोड़े कीवर्ड्स टाइप करता था, जैसे बाय गेमिंग पीसी बैंगलोर। तो इधर मैं बेसिकली सर्च कर लेता हूँ, तो इधर सारे ऑप्शंस आ गए हैं मेरे पास। और रेटिंग के हिसाब से मैंने जैसे कहा था मैं वैसे चेक करूँगा। तो इधर तो क्या है, चलो रेटिंग देखते हैं, 4.9। ओके, काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 70 लोगों ने दे रखा है। तो और नीचे 4.9 कहीं पर मिलेगी मुझे उससे ज़्यादा, 4.9। ओके, 4.9 1,000 लोगों ने दे रखा है भाई, ये तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। ओके चलो और देखते हैं, 4.9 कहीं पे, 4.9 नहीं है, 5 5 है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों ने दे रखा है। 4.9 461 उधर तो कितना, 1,259 भाई, वो तो बहुत ही मतलब। और कोई है क्या? हाँ इधर है, लेकिन 10 लोगों ने दे रखा है। ओके मतलब तो ऑलरेडी मिल गई है भाई, ये शॉप तो काफ़ी अच्छी लग रही है। सुपर कंप्यूटर्स 4.9 रेटिंग और 1,259 लोग, ओह माय गॉड। ओके तो ये लग रहा है इधर ही चलते हैं, ये लग रही है मुझे बेस्ट शॉप। तो चलो फिर लेट्स गो टू सुपर कंप्यूटर्स। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं एसपी रोड, जहाँ पे वो शॉप है सुपर कंप्यूटर्स। और जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन सोच रखी है वो अराउंड 40,000 के आसपास की पड़नी चाहिए। और वो रहा उनका ये बोर्ड, अलग ही दिख रहा है बिल्कुल, अगर ऊपर देखेंगे तो मतलब सबका नॉर्मल बोर्ड है, इनका एकदम चमकता हुआ लग रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं, मैंने आसपास से पूछा है वैसे ऐसे आइडिया के लिए कि कितने का मिलेगा। तो आसपास के लोग तो कह रहे हैं कि 35,000 या 40,000 ही बेसिकली कह रहे हैं आसपास के लोग। तो चलो अब एक बार अंदर चल के इनसे पूछ लेते हैं, इनका नाम इतना है तो ये रहा इनका बोर्ड। चलो अब एक बार अंदर चल के पूछ लेते हैं कि क्या है इनके पास, कितने का देंगे, होपफुली इधर बेस्ट प्राइस मिल जाए मुझे। तो चलो पूछते हैं इनसे। पेट्रोल का था बोलिए। गेमिंग कंप्यूटर है आपकी दुकान में, काफी सुना है मैंने। क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है? हां सही है, कॉन्फ़िगरेशन तो भी कितना बड़ा है ये कॉन्फ़िगरेशन। ओके मैं लिख देता हूं, मैं बताता हूं, ये क्लास 19 है ना, यूपीएस है, वन के एफपीजी। हां भाई बोलिए, आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए? ये कंपनी है, हां गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, A320 है, गीगाबाइट का A320 है। ओके और ये प्रोसेसर है ना, AMD Ryzen है, 1200। ओके और 120 GB का है, 8 GB RAM, 8 GB और ये कैबिनेट वाला चाहिए, ये वाला भी कस्टमर से अब चलिए वाले से। और ग्राफिक्स कार्ड है NVIDIA का GTX 1660 एंड पावर सप्लाई उसके लिए है ना, आप कहाँ रह रहे हैं?
भैया ये वाला कॉन्फिगरेशन आपको इंक्लूडिंग जीएसटी एंड डिलीवरी वगैरह सब मिला है। नॉर्मली देखिए इसके अंदर हम आपसे करके देते हैं 30,975 प्लस टैक्स में आता है, आपको इंक्लूडिंग जीएसटी 35,000 तक फोन कर सकते हैं। और 450 वॉट्स SMPS है, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, टोटली इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस आपको 35 समथिंग होता है, हमारा बिल्ड चार्जेस इंस्टॉलेशन एवरीथिंग मिला के मैं आपको 35,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस विथ फ्री डिलीवरी करवा दूंगा। और इसके साथ में हम जो है ना आपको एक वाईफाई एडाप्टर भी आपको फ्री, और इसके अंदर जो कॉन्फिगरेशन का कंपोनेंट है ना मैं आपको बता दूंगा, आपको हाइपर एक्स का 3000 mAh सेट करता ताकि आपको अच्छा परफॉर्मेंस होता है, और SSD दे रहा हूँ आपको 128 GB का, और ग्राफिक कार्ड जो है 165 GB, और मदरबोर्ड जो है हमने दे रहा है आपको 1 GB का 8 GB। वैसे यही कॉन्फिगरेशन के साथ में आपको 30,000 भी हम कर सकते हैं जैसे कि अदर ब्रांड के अंदर, लेकिन मैंने सब कंपोनेंट्स यूज किया आपको प्रीमियम कंपोनेंट्स सारा हाई। हाँ तो आप देख लीजिए अगर हमारा प्राइस ओके है तो हम आपको बिल्ड करेंगे। आपका जीएसटी नंबर है तो आपको जीएसटी तो भाई लोगों से बात करने के बाद तो मुझे लग रहा है कि भाई ये प्राइस तो काफ़ी अच्छा दे रहे हैं, और ये मेरे कंपोनेंट्स हो कि आसपास की शॉप से मतलब बिल्कुल स्ट्रेट अप 40,000 rupees मांग रही हैं, जो बिल्कुल मतलब 5,000 rupees डायरेक्टली ज़्यादा है, और ये लोग तो हमें वायरलेस अडाप्टर भी फ्री दे रहे हैं बताओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि डील फाइनल कर दूँ इधर, क्योंकि इससे बेटर प्राइस मुझे लगता कहीं मिल जाएगा, और इनकी रेटिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी है। ये मेरे कंपोनेंट्स अगर आप लोगों को देखने तो ये वो मेरा प्रोसेसर था, और ये मेरा पावर सप्लाई, तो ये है मेरा कैबिनेट जो मैंने ख़रीदा है, और इसमें RGB लाइटिंग है आगे की तरफ, और इसके लेफ्ट साइड पे एक पैनल है, ग्लास पैनल, जहाँ से आपको अंदर के कंपोनेंट्स दिखेंगे, और RGB लाइट से अंदर लाइट भी होता है। तो चलो लेते हैं और इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं फिर। तो भाई लोग मैंने फाइनली ख़रीद लिया है, और ये है टाइम लैप्स मेरे बिल्ड का, तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है यार बिल्ड करने में, आज मुझे पता चला है थोड़ा टाइम लग गया था बिल्ड करने में, लेकिन सही में इतनी मेहनत तो मतलब सल्यूट देना पड़ेगा, इतना तेज़ मैंने वीडियो चला रखा है फिर भी टाइम लग गया था, कम 25-30 मिनट लग गए थे बिल्ड करने में, मेहनत बहुत है यार इसमें। तो आप देखिए इसका टाइम लैप्स पूरा अगर देखना है तो, वैसे देख लो यार काफ़ी मेहनत करी है भैया जी ने, तो ख़त्म ही होने वाला है, तो हो गया बस लग गया इसका डब्बा और ख़त्म हो गया टाइम लैप्स, तो ख़रीद लिया मैंने। चलो घर चल के देखते हैं अब कैसा कमाल मचाता है ये। पर देखिए ये भैया हैं बिल्कुल काम में मस्त, इनको तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। मैंने तो बल्कि उनसे एक स्पेशल उनकी फ़ोटो मांगी ताकि मैं वीडियो में डाल पाऊँ, मतलब इतनी मेहनत कर रहे थे यार तो डालना बनता था। तो हाँ भाई मैं घर आ गया हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड था, तो मैंने जैसे डब्बा खोल दिया और मैं वीडियो बनाना भूल गया एक्चुअली सही में। ये रहा उसका डब्बा, और ये वो कीबोर्ड का डब्बा जो मैंने लिया है, एंड ई स्पोर्ट्स का है वो, और ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सेटअप जो नया मेंबर है फैमिली का 35,000 rupees का जैसे मैं बता चुका हूँ, और ये वो कीबोर्ड के RGB इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं मैं कहूँगा, और मैंने गेम्स डाउनलोड करके रखी हैं अभी तो बाहर बिल्कुल रात हो गई है, बहुत टाइम लग गया मुझे। तो अगर आपको देखना है कि अंधेरे में कैसे दिखता है कीबोर्ड नॉट कीबोर्ड और CPU तो अभी देख लीजिए, तो ये तो काफ़ी अच्छा लगता है यार अंधेरे में, और इधर ग्लास पैनल है अगर आपको देखना है तो अंदर के कंपोनेंट्स कैसे दिखेंगे, तो ये है अंदर बिल्कुल कैसे दिखता है रात में या फिर अंधेरे में। और कीबोर्ड के एक्चुअली बहुत सारे मोड्स हैं, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इधर ये वेव वाला मोड है, और ये काफ़ी सारे मोड हैं, और ये वाला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि को जो भी आप दबाएंगे उस पर लाइट जलती है, बाकी सब पे नहीं जलती है,
और एक और ऐसा ही है लेकिन इससे थोड़ा बेटर है कि जहाँ पे आप बटन दबाएंगे उधर से एक रिपल जैसा, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो हाँ यही है, तो चलो देखते हैं इसकी बेंचमार्क्स कैसे हैं। ओके तो भाई जैसा आप देख सकते हो 35,000 का था, मैंने तो एक्सपेक्ट करा था कुछ 60-70 FPS मैक्सिमम आ जाए, और अभी अगर आप देख सकते हो मेरे आराम से 200 के आसपास का FPS मिल रहा है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था टू बी ऑनेस्ट। और Fortnite में तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, 35,000 में 200 FPS, और अभी तो बीच में 300 भी चला गया था पता नहीं कुछ। भाई ये तो अलग ही चीज़ है, 35,000 में इट्स अमेजिंग सही में। 200 FPS मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करा था। मैं वैसे और बेंचमार्क रन करूँगा अगली वीडियो में, ये तो ऐसे एक डेमो सी वीडियो है, लेकिन 200 FPS इट इज़ जस्ट ब्लोन माई माइंड सीरियसली। तो चलो दूसरी कोई गेम खेल के देखते हैं। दूसरी में तो मैं चलो ऐसे पबजी चला के देखा था बीच में, और मतलब उसमें तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा था पबजी में तो। और मेरा पहला किल अगर आपको देखना है पबजी में तो देख लो अभी, ये है मेरा पहला किल इस कंप्यूटर पे। तो हाँ दोस्तों बस यही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसे लगी वीडियो, लाइक कर देना या फिर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। तो हाँ यही है, मैं अगली बार मिलता हूँ।